दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। कैसे हम अपनी बुद्धि के बल से भाग्य को भी बदल सकते हैं, ये कहानी हमें सिखाती है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है बुद्धि और भाग्य तथा विधाता का खेल। आइए कथा श्रवण करें। मित्रों, आपदा को अवसर में बदलने की बात तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन ये वाक्य सिर्फ उनके लिए है जो सबसे अलग सोच रखते हैं। बाकी सब तो बस भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। याद रखिए, सामान्य बुद्धि बस सामान्य परिस्थितियों तक ही हमारा साथ देती है। जब परिस्थितियां असामान्य हो जाती हैं तो उनका निवारण सामान्य सोच के साथ नहीं किया जा सकता। उस समय हम तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम कोई नई चीज खोज निकालें। याद रखिए, बुद्धि सबके पास है, लेकिन सफल वही है जो उन सबसे आगे की सोच सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी हालत में अपना भाग्य बदल सकता है। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर है। किसी नगर में बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहा करता था। आज के समय कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पहले कहा जाता था कि सरस्वती और लक्ष्मी जी की आपस में नहीं बनती है, इसलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसके संतान का पालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वो अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वह कहती, ना जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने कंगाल से कर दिया। ब्राह्मण को ये बात अच्छी ना लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और सूझवान शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य अपने सारे जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाने लगा। आसपास के गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने का पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या करना है, इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहां एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्य को लगा शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहां कैसे आना हुआ? अभी ये मत पूछो कौन हूं मैं, मुझे कुछ काम है, बस तुम मुझे अंदर जा लेने दो, उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया। ऐसे कैसे जा लेने दूं, कम से कम अपना परिचय तो दीजिए, और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूं, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहां बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटा अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, फिर क्या लिखा आपने मेरे गुरु भाई के भाग्य में? आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है?
परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा ना छोड़ते देख ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले, यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चला गया। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, तो उस शिष्य की बड़ी प्रशंसा की। अपने साथ वह काफी धन कमाकर लाया था, अब उसे किसी बात की कोई चिंता ना थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक ना टिक सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का कोई और साधन ना होने से एक बार फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया था। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया, तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसे बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़ राजधानी चला गया। सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज व जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी के कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई, तो वह अपनी गुरु बहन को देखने के लिए गया। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया जो खुद को विधाता बताता था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण बाहर निकले, तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहां बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा ये काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? चेहरे पर व्यंगात्मक मुस्कान लिए ब्राह्मण ने कहा, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा आपने? इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी ये सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस ब्राह्मण को वहां से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले के ही भांति मुस्कुराकर चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था, तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा? कैसे कटेगा उनका जीवन? खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते, उतनी बातें बताते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे, इसलिए संन्यास लेकर जंगलों में चले गए। शिष्य ही ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित किया। 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया था। शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। शिष्य जब जा रहा था, तब गुरु भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ, तब उस शिष्य ने उससे कहा, भाई, मैं जा रहा हूं, मगर जो मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा, उस बात का ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना,
अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन होकर रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उन्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आने को बोलना, और जब वो 100 सोने के सिक्के तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। लड़के ने वैसा ही करने का वायदा उस शिष्य से किया और वापस आश्रम लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन ही गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वायदे अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्दी ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी बहन के विवाह की उम्र भी हो गई थी। विवाह के लिए कई लोग लड़के को संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वायदा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उनका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु के परिवार को देख आए, देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसे विचार के साथ वह वहां चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और पोटली में स्वर्ण मुद्राएं ले जाते हुए दिखा। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, आ गए जले पर नमक छिड़कने, देख लो यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 स्वर्ण मुद्राएं देते देते मेरे ऐसे की तैसी हो गई है। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। मेरा चक्रव्यूह? महाराज आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं, फिर भला मैं कैसे आपको किसी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूं? शिष्य ने चुटकी लेते हुए कहा, बेटा मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूं, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। झंझट से निकलना है तो ये उन दोनों के भाग्य की रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते ही हैं ये कलयुग है, आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है, उदाहरण आप देख ही रहे हैं। ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल तो करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूंगा मैं भी मजबूर हूं महाराज, अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा, अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दी और बोले, जाओ मिटा दे उनके भाग्य की रेखाएं, तुम्हें उनका जैसा भी भाग्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं, नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए वह ब्राह्मण चला गया जो खुद को विधाता बता रहा था। तो दोस्तों, इससे यह सिद्ध हो गया कि आप ही हो जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हो। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसे कोई चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी परेशानियों में ही हमारी सफलता कहीं छुपी हो। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।